हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूं अंकित और आज मैं आपके पास आ गया हूं वापस एक फ़्लाइट जर्नी लेके। तो आज की जो फ़्लाइट जर्नी होने वाली है, ये होने वाली है एयर इंडिया से। यस, तो जो एयर इंडिया है जिसको टाटा ने टेक ओवर किया है, आज हम उसमें टेक ऑफ करेंगे और देखेंगे कि टाटा के टेक ओवर के बाद एयर इंडिया की सर्विसेज में क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि भाई उसके पहले उतनी अच्छी नहीं होती थी, एवरेज होती थी। तो आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली टू श्रीनगर। यस, आई एम ट्रैवलिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। आज की जो डेट है वो है 30th December 2022। तो जो मेरा जो डिपार्चर है वो है 10:45 पे और अभी कुछ 7:15 बज चुके हैं। बाहर आप देखो पूरा फॉग ही फॉग है, कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है। तो चलिए फिर, सामान तो पैक हो चुका है, चलते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, क्योंकि अभी पता चला है कि दिल्ली में बहुत रश हो रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो हम कुछ 4 घंटे पहले जा रहे हैं, तो 3 घंटे पहले जा रहे हैं। तो चलिए फिर करते हैं अपनी जर्नी शुरू। बट उसके पहले, अगर आप चैनल पर नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन। और इस वीडियो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली। चलो फिर करते हैं जर्नी की शुरुआत। भाई फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और भीड़ तो भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है एयरपोर्ट पे। इतना ज़्यादा रश है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपनी फ़्लाइट के एटलीस्ट 3-3.5 घंटे पहले तो आ ही जाओ एयरपोर्ट, तो ज़्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि हर एयरलाइन फुल है और हर जगह सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिख रही है। भाई सिक्योरिटी पे जा रहे हैं, बहुत भीड़ है और हमारा पायलट भी आज हमारे साथ में है। तो भाई सिक्योरिटी चेक इज़ डन एंड सरप्राइजिंगली उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अभी कुछ 10-15 मिनट में हो गया हमारा, तो अभी 8:30 हुआ है, 2 घंटे हैं बोर्डिंग को, तो टर्मिनल 3 घूमते हैं तब तक। तो हमारा जो गेट है दैट इज़ 32A और जो हमारी फ़्लाइट है एयर इंडिया की वो यहाँ से पहले जाएगी जम्मू। वहाँ पे 30 मिनट्स का टेक्निकल स्टॉप है, आई थिंक कुछ पैसेंजर्स उतरेंगे, कुछ पैसेंजर्स चढ़ेंगे, रिफ्यूल होगा एंड फिर हमारी फ़्लाइट जो जाएगी वो जाएगी श्रीनगर। तो चलो फिर चिल मारते हैं थोड़ी देर। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है गेट नंबर 32A से और एक अच्छी चीज़ है कि हमारा एयरक्राफ्ट एरोबिज ब्रिज से लगा हुआ है। तो भाई बोर्डिंग हो चुकी है, तो हमारी जो सीट है वो है 9BCDEF और मैंने जल्दी से आके विंडो सीट कपक ली, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनाना है ना, मैं तो ब्लॉगर हूँ ना, तो मेरी तो विंडो सीट बनती है। और बिजनेस क्लास से होते हुए आए हैं, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ गए। और इस एयरक्राफ्ट में 3x3 का कॉन्फ़िगरेशन है, 3 लोग इधर 3 लोग उधर। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में मैं ये मिस करता हूँ, बट ठीक है, खिड़की के बाहर देखेंगे, व्यूज़ देखेंगे। चलो फिर करते हैं जर्नी की शुरुआत। तो हमें बैठे हुए कुछ 20-25 मिनट हो चुके हैं और अब बिज़नेस क्लास वालों का सामान लोड हो रहा है, क्योंकि भाई उनकी प्रायोरिटी जब लगेज मिलता है तो उनका प्रायोरिटी बेसिस पर सबसे पहले आता है, तो आई थिंक इसलिए उनका सबसे लास्ट में सामान लोड हो रहा है। तो 10:20 हो चुका है, राइट टाइम है डिपार्चर का 10:45, तो आई थिंक मुझे लग रहा है उसके पहले ही हम लोग आई थिंक यहाँ से निकल जाएंगे। चलो वेट करते हैं फिर थोड़ी देर और क्या।
को ही हमारा टेक ऑफ हो चुका है और एग्जैक्टली 10:45 पे पुश बैक शुरू हो गया था और अभी हमारी जर्नी का फर्स्ट लेग चल रहा है जो कि होने वाला है दिल्ली टू जम्मू। और जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे हाफ एन आवर का टेक्निकल स्टॉप है, आई थिंक लोग कुछ उतरेंगे भी कुछ चढ़ेंगे भी और उसके बाद हमारी अगली फ्लाइट होगी वो भी इसी प्लेन में होगी, हमें नहीं उतरना है। और जो अगली फ्लाइट होगी वो होगी जम्मू टू श्रीनगर और अभी अनाउंस हुआ है कि एयर इंडिया की जलपान सेवा शुरू होने वाली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी क्योंकि कोविड शायद फिर से आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, बट सेफ्टी के लिए सबको मास्क लगाने के लिए बोला गया है तो हमने कहा भाई ठीक है सेफ्टी फर्स्ट लेट्स पुट ऑन द मास्क क्योंकि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। तो भाई फ्लाइट में कुछ आधा घंटा हुआ है और हमको ये सैंडविच और एक पानी की बॉटल सर्व हुई है, छोटी फ्लाइट है आई थिंक इसलिए इसमें सैंडविचेस वगैरह ही मिल रहे हैं, चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसे हैं सैंडविचेस। भाई ये वेज सैंडविचेस हैं और कोई ऑप्शन नहीं था नॉन वेज वगैरह को, जो है यही है खा के देखते हैं। ओके है सैंडविच टेस्ट, उसमें आई थिंक आलू और मेयोनीज भरा है और ब्राउन ब्रेड है, ठीक ठाक है स्नैकिंग के लिए अच्छा है। तो भाई अभी हमारा विमान जम्मू एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है और कुछ वही आधा घंटे का टेक्निकल स्टॉप है और काफ़ी लोग उतर रहे हैं काफ़ी लोग चढ़ रहे हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि जम्मू के बाद ही बर्फ के पहाड़ दिखने लगेंगे तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो चलो फिर वेट करते हैं थोड़ी देर और 10 मिनट में 12:50 पे यहाँ से इसका टेक ऑफ है, बोर्डिंग तो कम्प्लीट हो चुकी है 12:50 पे हमारा टेक ऑफ है बट मुझे लग रहा है उसके पहले ही हम लोग को पुश बैक हो जाएगा। चलो फिर करते हैं इन्जॉय एयर इंडिया A320 एयरक्राफ्ट की जर्नी का टिल श्रीनगर और ये हमारा पुश बैक शुरू हो चुका है जम्मू एयरपोर्ट से, काफ़ी बिफोर टाइम चालू हो गया है ये क्योंकि हमारा राइट टाइम था 12:50 पे और अभी 12:35 ही हुआ है। टेक ऑफ हो चुका है और जो जम्मू से श्रीनगर की फ़्लाइट है वो सिर्फ 50 मिनट्स की है, यानी टेक ऑफ टू टच डाउन इज़ ओनली 50 मिनट्स और धीरे धीरे बर्फ़ के पहाड़ तो दिखने लगे हैं बट अभी उतने अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। तो भाई इस A320 के वॉशरूम की बात करें तो काफ़ी सही है, बड़ा सा है और रियर साइड में 2 वॉशरूम्स हैं और फ्रंट साइड में 2 वॉशरूम्स हैं, पर फ्रंट में तो भाई बिजनेस क्लास वालों के लिए है बट इकोनॉमी वालों के लिए है पीछे, तो अभी मैं पीछे वाले में हूँ तो चलो दिखाता हूँ आपको। ये अपना वॉश बेसिन एरिया है, ये अलग से हैंड वॉश दिया है इन्होंने और ये यहाँ पे डस्टबिन है, ये एक्स्ट्रा सैनिटाइजर रखा हुआ है और ये टिश्यू पेपर वगैरह है और ये अपना लेबोरेटरी एरिया है, तो ये है इसका छोटा सा वॉशरूम। भाई कैप्टन ने भी अनाउंस किया है कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ पार्किंग वे हम श्रीनगर से कुछ 60 किलोमीटर साउथ में होल्डिंग पैटर्न में हैं और कुछ 5-10 मिनट रहेंगे क्योंकि सुबह मौसम ख़राब था पर अभी खुला है तो सारे एयरक्राफ्ट एकदम से आ गए हैं सारे के एक साथ, तो अभी होल्डिंग पैटर्न में गोल 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 घूम रहे हैं और बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, तो बाहर देख के ही ठंडी लग रही है, देखते हैं कितनी देर होल्डिंग पैटर्न में रहते हैं फिर करते हैं लैंड श्रीनगर में। और इस 50 मिनट्स की फ़्लाइट पे हमको कुछ भी खाने पीने का नहीं दिया गया बट बनता है 50 मिनट्स में, आप जब तक सर्व करोगे तब तक तो लैंडिंग का टाइम हो जाता है।
मॉर्निंग बिफोर टाइम लैंडिंग हो चुकी है हमारी श्रीनगर में, और ये था एक मेरा एयर इंडिया एक्सपीरियंस आफ्टर टाटा टेक ओवर। आप मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।